चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ जो कि राजधानी रायपुर से आ रही है। आपको बता दें, शराब घोटाले मामले में ईओडब्ल्यू और एसीबी का एक्शन, नामजद आरोपियों के ठिकानों पर दबिश, रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग में कार्रवाई, करीब एक दर्जन ठिकानों पर दबिश दी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नामजद आरोपियों के ठिकानों पर दबिश दी गई है, रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग में कार्रवाई की गई है, करीब एक दर्जन ठिकानों पर दबिश दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी रायपुर से। तो रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, शराब घोटाले मामले में ईओडब्ल्यू और एसीबी का एक्शन, नामजद आरोपियों के ठिकानों पर दबिश दी गई है। रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग में बड़ी कार्रवाई, आपको एक बार फिर से बता दें, करीब एक दर्जन ठिकानों पर दबिश दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी रायपुर से। आपको बता दें, शराब घोटाले मामले में ईओडब्ल्यू और एसीबी का बड़ा एक्शन, जहां पर नामजद आरोपियों के ठिकानों पर दबिश दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग में बड़ी कार्रवाई की गई है, करीब एक दर्जन ठिकानों पर दबिश दी गई है। तो बड़ी खबर राजधानी रायपुर से, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर शराब घोटाले मामले में ईओडब्ल्यू और एसीबी का बड़ा एक्शन, नामजद आरोपियों के ठिकानों पर दबिश दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग में कार्रवाई लगातार जारी है, करीब एक दर्जन ठिकानों पर दबिश दी गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद हसन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी हसन, आपसे जानना चाहेंगे कि ईओडब्ल्यू और एसीबी ने बड़ा एक्शन लिया है, बड़ी कार्रवाई की है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल महिमा, देखिए आज सुबह से ही राजधानी रायपुर समेत बिलासपुर और दुर्ग, इन तीनों ही जिलों के अलावा अलग अलग जिलों में जो है एसीबी और ईओडब्ल्यू की जो टीम है, उन्होंने आज छापामारी कार्रवाई जो है वो यहाँ पर की है। शराब घोटाले के मामले में ये पूरी छापेमारी कार्रवाई जो है वो की गई। जिस प्रकार से इसके पहले ईडी ने जो है वो छापेमारी कार्रवाई की थी और 2000 से ज्यादा कथित शराब घोटाले का जो खुलासा है वो किया गया था। बाद में इस एफआईआर को ईओडब्ल्यू और एसीबी भी जो है वो जांच कर रही थी। जांच अब जो है यहाँ पर तेज की गई है और जांच तेज करने के बाद आज सुबह एसीबी और ईओडब्ल्यू की जो टीम है, बिलासपुर के सरगांव स्थित भाटिया डिस्लरी, कोटिया स्थित वेलकम डिस्लरी और कुम्हारी दुर्ग स्थित केडिया डिस्लरी में जो है वो छापेमारी की गई है। वहीं राजधानी रायपुर में अनवर डेवर शराब कारोबारी, इसके अलावा विवेक धान समेत अनिल टुटेजा के घर जो है वो कार्रवाई यहाँ पर जारी है, पूछताछ चल रही है। बताया जा रहा है कि अब तक जो जानकारी मिली, कई अहम दस्तावेज जो है वो शराब घोटाले से जुड़े हुए वो यहाँ पर मिले। आने वाले समय में कई बड़े जो खुलासे हैं शराब घोटाले को लेकर के यहाँ पर हो सकते हैं। जी जी बिल्कुल हसन, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।